हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का क्लास नंबर 7 है, जिसमें भूगोल से है कृषि। तो चलिए बिना देर के हुए अपने प्रश्न में चलते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न क्या निकल कर आ रहा है? इससे पहले कि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दें। चलिए बिना देर के अपने प्रश्न में चलते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, कपास उत्पादन में एक गांठ कितना किलोग्राम होती है? 170, 135, 40, 149। तो हमारा सही आंसर है ये 170। अगला प्रश्न है, भारत का जूट क्षेत्र किसे कहा जाता है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। तुम्हारा सही आंसर है ए पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, कपास की खेती के लिए कितना दिन पाला रहित होना चाहिए? 210 दिन, 102, 350, 143। तो हमारा सही आंसर है ए 210। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश किस राज्य के उत्पादन में अग्रणी है? तिल, तंबाकू, सरसों, नारियल। तुम्हारा सही आंसर है बी तंबाकू। अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा क्षेत्र तंबाकू उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है पूर्णिया, बक्सर, समस्तीपुर, बाढ़ है। तुम्हारा सही आंसर है सी समस्तीपुर। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सिल्क की किस्म नहीं है? मलबरी, मूंगा, केसर, ईजी। सही आंसर सी केसर। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत का सर्वाधिक गन्ना उत्पादन राज्य कौन है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। तुम्हारा सही आंसर है ए महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, गन्ना अनुसंधान जिला किस शहर में है? ऑप्शन है सलेम, हासन, कोयम्बटूर, कन्याकुमारी। तुम्हारा सही आंसर है सी कोयम्बटूर। अगला प्रश्न है, गन्ना की केंद्रीय अनुसंधान शिला कहाँ स्थापित है? बेतिया, लखनऊ, कानपुर, भोपाल। तुम्हारा सही आंसर है बी लखनऊ। अगला प्रश्न है, शस्य गहनता को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? सिंचाई, यंत्रीकरण, जनसंख्या, कीटनाशक। तुम्हारा सही आंसर है सी जनसंख्या। अगला प्रश्न है, वर्षा ऋतु की फसल को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है ये रबी, खरीफ, जायद, अगहनी। तुम्हारा सही आंसर है बी खरीफ। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? ऑप्शन है धान, तेलहन, गेहूं, ज्वार। सही आंसर है सी गेहूं। अगला प्रश्न है, दाल किसका मुख्य स्रोत है? विटामिन, प्रोटीन, मिनरल, वाटर। सही आंसर बी प्रोटीन। अगला प्रश्न है, अनानास से उत्पादन में अग्रणी है? मेघालय, त्रिपुरा, कर्नाटक, केरल। सही आंसर ए मेघालय। अगला प्रश्न है, धान का वार्षिक उत्पादन देश में कितना है? 9 करोड़ टन, 29 करोड़ टन, 5 करोड़ टन, 13 करोड़ टन। तुम्हारा सही आंसर है ये 9 करोड़ टन। अगला प्रश्न है, देश में चावल का प्रति हेक्टेयर उत्पादन लगभग कितना है? 1500 किलोग्राम, 1990 किलोग्राम, 3500 किलोग्राम, 500 किलोग्राम। सही आंसर है बी 1990 किलोग्राम। अगला प्रश्न है, धान का खेती के लिए वर्षा की मात्रा कितनी उपयुक्त है? 100 से 110 सेंटीमीटर, 50 से 100 सेंटीमीटर, 100 से 150 सेंटीमीटर, 100 से 200 सेंटीमीटर। तुम्हारा सही आंसर है डी 100 से 200 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, गेहूं का वार्षिक उत्पादन देश में कितना है? 7 करोड़ टन, 7 करोड़ टन से ऊपर, 7 करोड़ टन से ऊपर, 18
5 लाख टन से ऊपर। तुम्हारा सही आंसर है बी, 7 करोड़ टन से ऊपर। अगला प्रश्न है, देश में कपास का वार्षिक उत्पादन कितनी गांठ है? 130 लाख, 246 लाख, 75 लाख, 185 लाख। आंसर है डी, 185 लाख। अगला प्रश्न है, देश में गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सर्वाधिक कितना है? 2100 किलोग्राम, 2800 किलोग्राम, 3500 किलोग्राम, 4800 किलोग्राम। सही आंसर है बी, 2800 किलोग्राम। अगला प्रश्न है, गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन देश में कितना है? 2100 किलोग्राम, 2755 किलोग्राम, 2750 किलोग्राम, 2995 किलोग्राम। तो सही आंसर है सी, 2750 किलोग्राम। अगला प्रश्न है, कॉफ़ी के पौधे की ऊंचाई कितनी होती है? 2 से 4 मीटर, 3 से 6 मीटर, 6 से 8 मीटर, 8 से 10 मीटर। तुम्हारा सही आंसर है बी, 3 से 6 मीटर। अगला प्रश्न है, पकते समय गेहूं की फसल के लिए आदर्श तापमान कितना है? 10 से 15 डिग्री सेल्सियस, 15 से 20 डिग्री सेल्सियस, 15 से 25 डिग्री सेल्सियस, 21 से 26 डिग्री सेल्सियस। तुम्हारा सही आंसर है डी, 21 से 26 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि को क्या कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है आर्द्र कृषि, शुष्क कृषि, निवेश कृषि, वर्षाधीन कृषि। सही आंसर है बी, निःशुष्क कृषि। अगला प्रश्न है, कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, पीली मिट्टी, भूरी मिट्टी। तुम्हारा सही आंसर है बी, काली मिट्टी। अगला प्रश्न है, गन्ना का खेती के लिए कितना तापमान आदर्श माना जाता है? 18 से 21 डिग्री सेल्सियस, 21 से 27 डिग्री सेल्सियस, 27 से 30 डिग्री सेल्सियस, 31 से 55 डिग्री सेल्सियस। सही आंसर बी, 21 से 27 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, भारत का क्यूबा किस क्षेत्र को कहा जाता है? गोरखपुर मथुरा, भटनी देवरिया, गोरखपुर देवघर, गोरखपुर देवरिया। तो सही आंसर डी, गोरखपुर देवरिया। अगला प्रश्न है, चीनी किस्म की चाय को क्या कहा जाता है? असामिका, बोही, रोबस्टा, अरेबिका। सही आंसर बी, बोही। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस स्थान की चाय को सर्वोत्तम चाय माना जाता है? जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, तवांग, माउंट आबू। सही आंसर बी, दार्जिलिंग। अगला प्रश्न है, रेशम कीड़ा पालन क्या कहलाता है? सेरिकल्चर, रेशम कल्चर, पीसी कल्चर, टीसी कल्चर। सही आंसर ए, सेरिकल्चर। अगला प्रश्न है, कर्तन दहन कृषि किसे कहा जाता है? झूम कृषि को, वाणिज्यिक पशुपालन कृषि को, निर्वाहन कृषि को, मध्य सागरीय कृषि को। तो सही आंसर है ए, झूम कृषि को। अगला प्रश्न है, भारत की अर्थव्यवस्था को मैं आधार क्या है? कृषि, उद्योग, खनिज उत्पादन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। सही आंसर ये कृषि। अगला प्रश्न है, भारत में किस प्रकार की कार्य की प्रधानता है? जीवन निर्वाह कृषि, विस्तृत कृषि, बागानी कृषि, व्यापारिक कृषि। सही आंसर है ये जीवन निर्वाह कृषि। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, और कृषि का जो इसमें जितना टोटल प्रश्न था वो आज समाप्त हो गया है। थैंक यू।